لا अरबाब लेके आ रहा चाह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से। कहावत है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन हर किसी के पास पैसा भी नहीं होता। लेकिन अगर आप कहें कि बिना कुछ लगाए आप बिजनेस कर सकें या फिर कमा सकें, तो भाई ज़िंदगी भी आप पे एहसान नहीं करती, उसमें भी आपको रिस्क लेना पड़ता है। और हमेशा ज़िंदगी है ना, लौटाती है, कभी आसान नहीं करती। जो आप मेहनत करेंगे या फिर जो आप स्ट्रगल करेंगे, तो उसका ही जो आप करते हो ना, उसी का करा हुआ आपको वापस मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी सस्ते पैकेज से लेके और थोड़ा मिडिल क्लास लोगों के लिए रहेगी कि किस तरह मिडिल क्लास वाले बंदों के लिए मैं काम लेकर आया हूँ और क्या काम है। तो हमारे पास अभी जो काम आया है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा कंपनियों को वीज़ा महंगा पड़ रहे हैं। तो कंपनियां क्या कर रही है कि जो इस तरह के काम है, हाँ सॉरी भाई, फ़ोन आ गया था बीच में और अर्जेंट कॉल थी। तो बता दूं कि ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और ज़्यादा हाई फाई पैकेज भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये भाई एजुकेटेड बंदों के लिए है, तो भाई 12वीं या 10th पास ही होना ज़रूरी है। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना इंटरव्यू के, या फिर कंपनी को ये चीज़ नहीं देखनी होती कि हाँ भाई ये इस लायक है नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है, सिर्फ मेहनत करने वाला हो। तो गार्डनर का काम है ये, आपको बता दूं, और गूगल भी कर लीजिएगा, और वीडियो में अगर होगा तो मैं एक दो शॉट लगा दूंगा कि किस तरह का काम रहेगा। ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ का है, जैसे कि विलाज हो गए, विलाज के अंदर पार्क बनाना होता है, या कोई कॉलोनी बनी है, कॉलोनी में बाहर के साइड या फिर एंट्रेंस की तरफ पार्क बनाने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों में काम करना होता है। और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसमें क्या मेहनत करनी होती है, क्या नहीं करनी, क्योंकि हर बंदे ने, गांव के लोगों ने तो खेतीबाड़ी की होती है, तो उनको पता है कि भाई पार्क और गार्डनर का काम किस तरह होता है। ठीक है, सैलरी जो है इसमें 1300 दिरहम है, 10 घंटे ड्यूटी है, प्लस ओवर टाइम है। फूड नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्या है ना कि फूड ज़्यादातर होटल लाइनों में मिलता है, रेस्टोरेंट लाइनों में, और इनमें फूड इसलिए नहीं होता क्योंकि अलग अलग नेशनलिटी के लोग होते हैं। अब कंपनी ने अगर दाल ही मंगा दी तो कुछ लोगों को दाल नहीं खानी होती, किसी को चिकन का शौक है, अब कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। राधा स्वामी टाइप के, जो कोई राधा स्वामी टाइप का बंदा हो तो भाई वो मैसेज जरूर कीजिएगा, राधा स्वामी भक्त। ठीक है, तो इस तरह के भी लोग होते हैं। तो कंपनी इस चीज़ की सिरदर्दी नहीं रहती, वो क्या करती है भाई हम ओवर टाइम आपको दे देंगे, तो यही ओवर टाइम लगा के आपकी 1500-1600 तक सैलरी चली जाती है मंथली। ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है, कंपनी एक रूम और एक रूम के अंदर 6 लोग होते हैं, इस तरह करके एक रूम ले लेती है पार्टीशन टाइप का। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट देती है कंपनी की, भाई रूम से लेके साइड तक ले जाना और साइड से फिर वापस रूम पे लाना, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह काम चल रहा था, आज भाई 2 महीने का काम यहाँ है, तो ये तो काम खत्म होने के बाद फिर कहीं और, फिर कहीं और, इस तरह कंपनियाँ का प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं अलग अलग। जैसे कि आप एक ही खेत में तो पूरे साल काम नहीं करते होंगे, अलग अलग खेत में जाकर काम करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि भाई यहीं एक बो देना है, यहीं गेहूं बो देना और यहीं पे ही सारे काम कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ है, 1300 सैलरी प्लस ओवर टाइम, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्ट, कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन। और वो पैकेज भी इस तरह का है कि जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे ऐसे ऐसे प्रोसेस है। इंडिया के अंदर जो आपका प्रोसेस टाइम रहेगा वो 1 वीक से लेके 10 दिन तक का रहेगा, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका ये सारा पैकेज रहेगा, प्रोसेस होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगा, सबसे अच्छी बात तो ये। और एजुकेशन कोई नहीं चाहिए, एज जो चाहिए आपको बता दूं 20 साल प्लस हो और 45 तक हो तो 20 से 45 साल के लड़के इसमें चल सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा भी ऑप्शन है कि बुजुर्ग थोड़े ज़्यादा एज के लड़के भी आ सकते हैं जिनको लगता है कि भाई अभी मुझे अपनी लाइफ की कुछ हिस्सा फैमिली के लिए देना चाहिए। ठीक, और रिटायरमेंट का टाइम होता है भाई वो बात अलग है, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं ज़्यादा एज वाले भी कि नहीं अभी मैं अपनी फैमिली के भरोसे नहीं रहना चाहता, काम करना चाहता हूँ, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा, यही काम है। और नेक्स्ट वीडियो में फ्रीलांसर वीज़ा से लेके ट्रक का लाइसेंस कैसे लेते हैं और फिर यहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस लेके यूरोप मूव करते हैं पंजाब के लड़के, हरियाणा के लड़के, ठीक है, उसके बारे में फुल डिटेल से बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में कुछ सही लगे अगर आपके लायक है ये काम तो कमेंट्स करके टीम को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर वीडियोस के नीचे होते हैं, और अपने भाई को याद कर लीजिएगा। 2 मिनट